Assalamu alaikum. Welcome to my channel Always Cooking Show. आज हम बनाएंगे गोंदे का हलवा. इसको गोंद का हलवा भी कहा जाता है और मिल्क का हलवा भी कहा जाता है. ये सर्दियों में बहुत खाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है. इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. मेरे पास है 2.5 लीटर ऑफ मिल्क और मैं इसमें से मैंने 250 ml मिल्क निकाल लिया है. ये मिल्क हमें बाद में चाहिए होगा. बिस्मिल्लाह. मेरे पास 350 ग्राम शुगर है, विनेगर है. विनेगर और पानी मैंने दोनों मिक्स कर लिया है इक्वल ताकि विनेगर ज़्यादा हार्ड नहीं हो हमारा. मेरे पास काजू हैं, ये हम मैंने स्प्लिट कर लिए हैं, बीच में से काट लिए हैं. ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे और डेकोरेशन के लिए. और ये मेरे पास देसी घी है. देसी घी हमारा इस कलर का इसलिए हो गया है क्योंकि हमने इसके अंदर जलेबियाँ तली थी. देसी घी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है. अब हमें क्या करना है, हमें इसको मिल्क को बॉईल कर करके हाफ कर लेना है. इसकी क्वांटिटी हाफ कर लेनी है हमें. और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब इसको हम बॉईल करें तो एक तो इसको हमें साइड में से लगने नहीं देना और नीचे से नहीं लगने देना. हमें इसको चलाते हुए हाफ कर लेना है. हमें दूध को बॉईल करते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं. दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है. अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून विनेगर मिलाएंगे. हमें विनेगर धीरे धीरे मिलाना है ताकि हमारा दूध ख़राब नहीं हो. हम इसको 2 मिनट चलाएँगे. अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून और विनेगर मिला रहे हैं. फिर हम इसको दोबारा चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि अगर हमारा दूध फटे पीसेस में छोटे छोटे. अब हम 1 टीस्पून और डालेंगे. हमने टोटल अभी 3 टीस्पून डाले हैं और हम ऐसे चलाते हुए दूध को, हमारा दूध देखिए थोड़ा थोड़ा सा फटना स्टार्ट हो चुका है. थोड़ा सा और डालेंगे 2 स्पून. हमने इसके अंदर टोटल 5 स्पून विनेगर डाला है. अब हमारा देखिए मिल्क फट गया है, मगर हम इसको चलाते रहेंगे. अगर हमने चलाना छोड़ दिया तो हमारे ये मोटे मोटे बन जाएंगे पीसेस और वो बिल्कुल हलवे में अच्छे नहीं लगते. हमें ऐसे ही चलाते हुए इसको पकाना है, इसका सारा पानी ख़त्म करना है. हमें विनेगर डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं. हमारा पानी काफ़ी वेपरेट हो गया है इसमें से. अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, मगर हमें शुगर एक साथ नहीं डालनी. हमें शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालनी है ताकि शुगर मिक्स हो जाए, इसके क्रिस्टल्स नहीं बने. तो हम थोड़ी थोड़ी करके सारी शुगर डाल देंगे तब हमारी चीनी मिक्स होती है और इसका सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता जब तक हम अपने काजू को फ्राई कर लेते हैं. एक फ्राई पैन में हम थोड़ा सा घी लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, वार्म करेंगे इसको. उसके बाद अपने काजू को फ्राई कर लेंगे. ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें, बस शेलो फ्राई करना है अपने काजू को. 25 मिनट्स हो गए हैं. हमारे हलवे का सारा पानी सूख चुका है और हमारे काजू भी फ्राई हो गए हैं. अब हम इसके अंदर घी डालेंगे. हमें पूरा घी एक साथ नहीं डालना, हमें पहले आधा घी डालना है, फिर आधा घी हम बाद में डालेंगे. और हमें इसको मिक्स करना है. और इसको पकाना है 10-15 मिनट. देखिए हमारे हलवे का कलर चेंज होने लगा है. हमें थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए. हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं रोकना चमचे को. अगर हम इसको चलाना रोक देंगे तो हमारा हलवा नीचे से जल जाएगा. हमारा हलवा पक गया है और इसके अंदर हम दूध डालेंगे. और इसको चलाएंगे. अब हम इसके अंदर काजू डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे. हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है. देखिए कितना दानेदार हमारा हलवा बना है. अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं. माशाल्लाह से हमारा हलवा बन गया है. माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा.